हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। सो प्लीज एक बार आप लोग कंफर्म कर दो यार कि वॉइस आ रही है सभी के पास। सभी को आवाज आ रही गाइस? गाइस एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है। और जल्दी से ज्वाइन करो यार। देखो हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट जे आर एफ। तो इस बार की जो जंग हुई है हमारी, वो किसके साथ होने वाली है? जार्फ के साथ हमारी जंग होगी इस बार। तो हथियार होने चाहिए, वो हथियार क्या है आपका? सिलेबस। तो हमारा समझवा होगा कि सिलेबस को समझो आप लोग पहले, ठीक है? अरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, फाइनली आपकी क्लास करने का मौका मिला। देखो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैं आपके लिए हमेशा काम करता रहूंगा। और इस बार फोड़ेंगे, इस बार हम लोग फोड़ेंगे जीआरएफ करके, हम लोग दिखाएंगे गाइस। सो डोंट वेरी। एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिलर फॉर्म में गाइस, ठीक है? तो एक बार सभी जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें गाइस आप लोग जल्दी से। चलिए तो अपनी कॉपी में लिख लो मिशन जेआरएफ 2023। अपनी जो नोटबुक है ना उसमें क्या लिखना है? मिशन जेआरएफ 2023। देखो जिनके हम लोग सपने देखते हैं ना, जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, वो हमारी रातों के सपनों में आते हैं, दिन रात वो आते हैं। तो मिशन आपका जेआरएफ क्या है? वो भी आपका एक सपना है, उसको दोस्तों आपको पाना है, ठीक है? वेरी गुड गाइस। चलिए अब जिन्होंने भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपके पास सेकंड पेपर का भी मौका है। सेकंड पेपर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स हो या पॉलिटिकल साइंस या कोई भी कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो यार मेरी क्लास ले रहे हो, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो आप G210 यूज करोगे, G210 यूज करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा गाइस। अगर आप G210 यूज करोगे तो आपको कितना परसेंट ऑफ मिलेगा? 10% आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और जो मेरी क्लासेस होगी मैं आपको बता दूं, मंगल सोमवार और मंगलवार को मेरी क्लास होगी शाम को 7 बजे, वहीं फ्राइडे और सैटरडे को मेरी क्लास होगी 12 बजे। ये ऐप पेड वालों के लिए है। और कल मेरी क्लास होगी यूट्यूब पर रात को 9 बजे। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे आईसीडी को लेके। पहले मैं आपको समझा दूं, पेपर फर्स्ट जो है आपका उसके अंदर 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट आपके सामने। अभी जो 10 यूनिट है गाइस, इसमें मैं आपको 2 यूनिट करवाऊंगा, आईसीडी और हायर एजुकेशन। तो पहले हम लोग करेंगे आईसीडी, ठीक है? समझ में आ गया? अब मुझे कौन बताएगा कि आईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडी? देखो यार ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी हो, बैंक हो, सूचना सहायक हो या कोई भी एग्जाम, उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडी। ये पहला कदम है आपका जेआरएफ की तरफ। आंसर दो सभी लोग। देखिए यहां पर किशन का आंसर आया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहां पर 3 वर्ड आपके सामने आते हैं। एक आता है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा आता है कम्युनिकेशन भैया, और तीसरा आता है टेक्नोलॉजी। अब यहां पर 3 वर्ड बन के ये यूनिट बनती है, तो तीनों को समझना जरूरी हो जाता है। अब पहला कह रहा है आपका इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है? सूचना, किसी प्रकार की सूचना हमको मिले। कम्युनिकेशन क्या होती है? वार्तालाप। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, मतलब आज के जमाने की टेक्नोलॉजी जो हमारे काम को आसान करती है। इन तीनों को मिलके बनता है हमारा
आईसीडी। अब देखो यार, आईसीडी ऐसे देखा जाए ना गाइस तो बहुत बड़ा है दुनिया में, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, बट हमारे यूजीसी नेट में इसको इतना सा दिखाया गया है। हमारे यूजीसी नेट में नेट एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो या कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके अंदर ये सिलेबस फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो उस सिलेबस के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। तो आईसीडी में मैं एक बार चीजें समझा दूं, आईसीडी में हर साल 30 में से 5 क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मतलब 10 नंबर की यूनिट है आपकी, ये 10 नंबर की यूनिट है। अब आपको 10 में से कितने नंबर लाना है एक बार मुझे कमेंट करके यहां पर आपको मुझे ये बताना है, आप लोग 10 में से कितने नंबर लाओगे आपको मुझे बताना है। बताओ भैया कितने नंबर लाने हैं आप लोगों को, वाह किसान कह रहे 10 में से 10, वेरी गुड रोशनी 10, वेरी गुड गाइस। नितेश, रोमन, सब लोग मुझे दो यार, हम लोग यहां पर 12 लोग हैं तो 12 के आंसर आना चाहिए मेरे पास। कितने नंबर लाने हम लोगों को, दस नंबर लाने। अब क्या 10 नंबर आ जाएंगे तो मेरी एक लाइन है, वायु फियर आई एम हियर, डरने वाली कोई बात नहीं, आपकी जीतू भी आपके साथ है, 10 नहीं हम तो 11 भी लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखो यार, हमें इसका सिलेबस को समझना जरूरी, हमें सिलेबस को समझना आना चाहिए कि सिलेबस हमें क्या करवाना चाहता है। देखो अगर हम कोई भी प्लान करते हैं जैसे अभी आपको जयपुर जाना है, आपको जयपुर का रूट देख लो पहले, जयपुर के बीच में कोटा भी आएगा, टोंक भी आ रहा है, सवाईमाधोपुर भी आएगा, हम लोग कैसे जाएंगे, तो हमने पहले समझेंगे हम लोग सिलेबस को, ठीक है। समझते हैं, यहां पर बोला आईसीडी की जनरल टर्म्स आनी चाहिए आपको, जनरल टर्म्स क्या होती है कौन बताएगा मुझे, जनरल टर्म्स क्या होती है आईसीडी में बताओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर, मत बोलो यार हेमा, हेमा सर मत बोलो, भैया बोलो यार, आईसीडी की जनरल टर्म्स। अब टर्म्स वर्ड को हम लोग थोड़ा देखते हैं, टर्म्स का मतलब हो गया मेमोरी, मेमोरी हो गया, इसका हो गया, कंप्यूटर के टाइप्स हो गए, जितनी भी कंप्यूटर के टर्म्स है ना वो बेसिक यहां पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये स्पेलिंग क्लास है ये यहां पर। दूसरा है बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, जीमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इन हायर एजुकेशन आईसीडी गॉन है, तो इतना सा तो पढ़ना है बस, तो जीतू भी आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। कि कौन बन, सॉरी मैं फेस कैमरे के साथ नहीं आया, अगली बार हम लोग फेस कैमरे के साथ मिलेंगे, कल मेरी नाइट को 9 बजे क्लास है, वो फेस के साथ होगी मेरी पहली फर्स्ट टाइम क्लास। कौन कौन देख रहा है मेरी, जिसने आज तक मेरी कभी क्लास ही नहीं देखी पूरी यूट्यूब कहीं भी, या कौन मुझे पहले से जानता है, आंसर तो गाइस 16 लोग हैं, तो मुझे पहले से कौन कौन जानता है, जानता है जानती फर्स्ट क्लास है। चलिए देखो, वो इसलिए पूछा है कि आप लोग मेरे नेचर को समझाओ कि मैं थोड़ा फन के साथ स्टेडियम लोग करते हैं। चलिए अब पहला हम लोग आते हैं जनरल टर्म्स। अब जनरल टर्म्स से सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ गया, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। दूसरा आ गया हमारा मेमोरी, सबसे लार्जेस्ट जो टॉपिक है ना इसमें वो है मेमोरी, मेमोरी आ गया, मेमोरी की यूनिट आ जाएगी। इसमें आ जाएगा आपका इंटरनेट के अलावा आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेजेस, भाई कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस आ जाएगी। चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे मेमोरी यूनिट, बाइनरी, डेसिमल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हम लोग पढ़ेंगे।
दूसरा है बेसिक ऑफ इंटरनेट इथरनेट। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, ये पढ़ेंगे। जीमेल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के एप्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। देखो अभी इनकी पीडीएफ कोई, ये पीडीएफ वाली चीजें नहीं है गाइस, ठीक है। देखो यार अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो फर्स्ट पेपर की जो क्लास एप पे होती है वो एक होती है 12 बजे, एक शाम को 7 बजे, ये मेरी फर्स्ट पेपर का टाइम टेबल है, ठीक है। अभी तो मैं यही आपको बता पाऊंगा, और अभी जो क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ लेना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये बेसिक सिलेबस है, ठीक है। देखो यार टीचर्स को पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आपको मिलता रहेगा कंटेंट, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग एप्स के बारे में पढ़ेंगे, आजकल हम लोग ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस सबको बताया, अब तो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मम्मी भी बात करती है, मामा भी बात करे, मौसी भी बात करी, सब लोग एक में बात कर लेते हैं। अब अगर उसमें कोई बहू ऐड हो गई तो बहू तो बोलेगी भी नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि सासू आई है ना, उसके सासू है, मामा ससुर है, तो बहू नहीं बोलेगी, बस वो वीडियो ऑन करके छोड़ देगी। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आजकल हमारी चल रही है यहाँ पर इंडिया में ना, यस। और आजकल तो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में ही सारे लोग ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एक गाइस एक मिनट प्लीज, ठीक है, चलिए अगला है हमारा हायर एजुकेशन को लेकर। देखो आजकल हमारी हायर एजुकेशन में हम लोग ना कंप्यूटर का काफी यूज कर रहे हैं, जैसे संयम प्रभा का नाम सुना होगा आपने, ई लाइब्रेरी हो गया, जितनी भी एजुकेशन सिस्टम हमारा आ रहा है ना अभी, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग आ रहे हैं। पहले एग्जाम होता था ऑफलाइन, अब सारे एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन, हो रहे या नहीं हो रहे, हो ही रहे ना गाइस, तो ये सब कुछ इसमें आएगा। आगे बात करें आईसीडी गवर्नेंस आएंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट करता है, आईसीडी क्या है। अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन वो बताऊंगा जो इस साल पूछे गए थे, 2023 जून एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उस बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे देना है, ए बाइनरी नंबर डेट एंड इन वन एग्जाम्पल, दिस ऑलवेज द ऑड डेसिमल नंबर, HTML is the set of formal that must be occurred when the transmit file errors of the computer. इसका आंसर आपको मुझे देना है। इसका आंसर दो, ए बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर होता है, ये अभी नए क्वेश्चन है सारे इसका, ठीक है, एंड वन से होता है, जिसका भी एंड वन से हो रहा है, एग्जाम्पल ये अभी जैसे एंड वन से हो रहा है, वो हमेशा ओड डेसिमल नंबर होगा, कि ये बात सही है। देखो आजकल है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा देखो मैं पहले आपको समझा दूं, जो बाइनरी नंबर है उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो एंडिंग है अगर वो वन आ रहा है तो क्या वो हमेशा ओड डेसिमल नंबर होगा। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं गाइस, 1, 11, 13, 7, 9, 12, ये। अब ये डेसिमल नंबर दिया गया है मेरे सामने, ये बाइनरी नंबर, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, जैसे 1, 2, 4, 8, 60, 32, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 41, तो 41 क्या है, ओड नंबर है, वो नहीं हटेगा गाइस, सॉरी यार हिंदी में, ये मैं हिंदी में समझा रहा हूं, हिंदी में ये देखो फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस है ना वो हिंदी में ही गाइस हमारी, ठीक है। अब ये क्या बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अभी जैसे देखो 0 और 1 मैंने कर दिया, अभी क्या होगा 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में सही है ना गाइस, देखो अभी कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बस PYQ बता रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लिया, अगर मैं होना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। HTML इज द सेट ऑफ रूल्स, HTML एक क्या है, HTML एक वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है HTML की, What is the full form of HTML?
देखो एस्टिमेट्स तो है, बट ये कह रहा है कि फाइल अराउंड ऑफ द इंटरनेट ट्रांसफर में ये प्रॉब्लम करती है, तो ये तो गलत है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल सही है और सेकंड गलत है। समझ में आ गया आज तक? देखो वेबसाइट के लिए यूज होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर द कनेक्ट एज ए ऑफलाइन स्टोरेज। निम्नलिखित में से किन किन भंडारण युक्ति को ऑफलाइन भंडारा माना जाता है? ये वो डिवाइसेस है जिसको ऑफलाइन स्टोरेज माना जाता है। SSD, ब्लू डिस्क, CVD, DVD, USB मेमोरी। इस बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन है या इस बार बहुत सिंपल भी है? बताओ इनमें से कौन सा सही है। ऑफलाइन बताओ, काफी लोग ए आंसर कर रहे हैं भाई। देखो गाइस, ये चारों ही ऑफलाइन स्टोरेज है, ये चारों ही ऑफलाइन है। SSD, HDD, ब्लू डिस्क होती है जो 8 GB की होती है, DVD, CD, USB। अगर यहाँ पर कोई भी क्लाउड के बारे में होता या कोई गूगल क्लाउड, अमेजन क्लाउड होता तो वो ऑनलाइन होता। तो ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टोरेज क्या होता है, गूगल क्लाउड क्या होता है, मेमोरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो अब आप लोग आंसर करो तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही था। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, जो वो कब होगी गाइस, वो होगी हमारी ऐप पे फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप भी पढ़ के आना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। अभी ये PDF नहीं मिलेगी क्योंकि ये PDF कोई काम की PDF नहीं है। मैं अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टाइम आने पर। देखो सब्र रखो, बस सब्र रखोगे सब मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। देखो किसी का कोई डाउट क्वेरी, नोटिफिकेशन आपने ऑफ किया होगा ऐप का यार। देखिए ऐप पे दो टाइम क्लास होती है, एक तो 12 बजे और तो एक शाम को 7 बजे। ये दो टाइम पे फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। चलो मैं इसका चेक करता हूं, चलो मैं इसका चेक करता हूँ गाइस, यू डोंट वेरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।